नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करें हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो टॉप 10 स्टॉक्स है दोस्तों, इस सेक्टर के स्टॉक भी काफी बेहतरीन होते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको काफी बेहतरीन रिटर्न बना के देता है। इस सेक्टर में एक नहीं कई सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिन्होंने इन्वेस्टर को वेल्थ क्रिएट करके दिया है, एक अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दिया है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं उन सारे स्टॉक्स को जिसको मैंने टॉप 10 स्टॉक की लिस्ट में शामिल किया है। दोस्तों इन सारे स्टॉक का हम डिटेल रिव्यू करेंगे आने वाले में, अभी हम इन सारे स्टॉक्स को देखते हैं और आपको भी इस पे लगातार एनालिसिस करना है, जो फंडामेंटल एनालिसिस है और जो टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस होता है हमें किस भाव पे इसको परचेज करना चाहिए, फंडामेंटल होता है कि आने वाले समय तक कौन सा स्टॉक जो है, मतलब कौन सी कंपनी जो है वो ग्रोथ करेगी, कौन सा कंपनी प्रॉफिट मेक करेगी। जब ये दोनों एनालिसिस आप कर लेते हैं तब उसी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है और अच्छे प्राइस पे इन्वेस्ट करना है, जिसके लिए टेक्निकल एनालिसिस की मदद लेते हैं। हमारी लिस्ट में 10वें स्थान पे अशोक लीलैंड, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है, करंट प्राइस है ₹129 और अगर लॉन्ग टर्म में रिटर्न की बात करें 2000% का रिटर्न दिया है जो कि काफी सॉलिड है। देखिए ये सारे स्टॉक जो होते हैं एक बार मूवमेंट करते हैं, दूसरा एक साइकिल होता है डाउन साइकिल, तो जो डाउन साइकिल होता है उसी में हमें बाय करने का मौका होता है। तो ये स्टॉक ने कई बार अपने इन्वेस्टर को मौका दिया कि आप लोअर लेवल पर बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो गिरावट आया था इस बार मात्र ₹35 के आसपास ये स्टॉक मिल रहा था, तो आप यहाँ पर बाय करते तो अभी लगभग 300% का रिटर्न आपको मिल गया रहता। तो इतना सॉलिड स्टॉक है जो कि हर बार मौका देता है इस सेक्टर के स्टॉक, मतलब एक साइकिल में चलता है और उस डाउन साइकिल में आप बाय कर सकते हैं। अगर बात करें कंपनी के जो डिफरेंट पैरामीटर्स है, मार्केट कैप 38,000 करोड़ का है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी के ऊपर डेट काफी ज्यादा है, 22,000 करोड़ का डेट है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 51% प्रमोटर्स का होल्डिंग है कंपनी में, जिसमें 9% शेयर जो है प्लिज है और कैश फ्लो कंपनी का निगेटिव है, इसमें कैश फ्लो निगेटिव में है। कैश फ्लो के निगेटिव होने से जो कि एक निगेटिव साइन होता है, लेकिन इनकी कंपनियां काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है अपने बिजनेस में, इसलिए हमें कैश फ्लो निगेटिव होने के बावजूद कुछ खास दिक्कत कंपनी में दिख नहीं रहा है। वहीं रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें 5,400 करोड़ का रिजर्व है जो कि काफी सॉलिड है, अच्छा खासा रिजर्व है कंपनी के पास। लेकिन आपने देखा कि इस कंपनी में दिक्कत क्या है, डेट काफी ज्यादा है, प्रमोटर का शेयर काफी ज्यादा प्लेज है 9% के आसपास, अगर 20% के आसपास हो जाता है तो फिर काफी निगेटिव साइन होगा, कैश फ्लो भी निगेटिव है, तीन निगेटिव पैरामीटर्स है। लेकिन यहाँ से देखना है क्या कंपनी अपने बिजनेस में कमबैक करती है। इस कंपनी के अभी प्रोडक्ट काफी अच्छा मार्केट शेयर रखता है जो कि काफी बेहतरीन सारे प्रोडक्ट है जिसको हम किसी डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला जो 9th नंबर पे है स्वराज इंजन, दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन मैंने इसे अशोक लीलैंड से ऊपर रखा है क्योंकि ये बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है और करंट प्राइस देखिए ₹1594 है और लॉन्ग टर्म में बात करें रिटर्न तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दी ये भी स्टॉक, मतलब काफ़ी मतलब साइकिल में चलने वाला है, काफ़ी नीचे के प्राइस पर ये उपलब्ध था लगभग 900 और 900 से ये लगभग 1600 तक का जर्नी तय कर चुका है। अब वहीं बात करें इस कंपनी की, देखिए यहाँ पर बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है लेकिन मार्केट कैप मात्र 1870 करोड़ का, एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसमें प्रमोटर्स के होल्डिंग की बात है 52% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, रिजर्व सरप्लस 223 करोड़ है, मतलब हर पैरामीटर पर कंपनी काफ़ी सॉलिड है। स्मॉल कैप है मतलब मार्केट गिरता है तो गिरावट थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन दोस्तों ये कंपनियाँ फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग है कि स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा मायने नहीं रखता है। कंपनी बिजनेस में भी पकड़ है काफ़ी ज़्यादा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ट्रैक्टर बनाती है, एग्रीकल्चर में यूज होने वाले जो स्वराज इंजन है उसको बनाती है, तो काफ़ी बेहतरीन बिजनेस भी है कंपनी का और काफ़ी बेहतरीन स्टॉक भी है, प्रमोटर्स भी इसके काफ़ी बेहतरीन है। अगला है स्कॉट ट्रैक्टर, देखिए स्कॉट ट्रैक्टर काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, ₹1216 इसका करेंट प्राइस है। देखिए मैक्सिमम का चार्ट देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन चार्ट है, हमेशा देख सकते हैं इस स्टॉक का जो चार्ट है वो, मतलब और सारे स्टॉक काफ़ी बाद में रिकवर किया, ये तो स्टॉक 2019 से ही देखते हैं अपना ट्रेंड जो है बदल चुका था। यहाँ पर देखिए डेट मात्र 47 करोड़ का है, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप कंपनी है, प्रमोटर्स का होल्डिंग 36.59% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, रिजर्व सरप्लस भी काफ़ी बेहतरीन है 2,874 करोड़ का, मतलब हर पैरामीटर पे कंपनी काफ़ी सॉलिड है। लेकिन एक मिड कैप कंपनी है लेकिन
आपको रिटर्न लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन क्रिएट करके देगा, क्योंकि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बिजनेस भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ट्रैक्टर बनाती है, जो कि हमेशा कंपनी के प्रोडक्ट सेल होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा यूज होना है। अगला है टीवीएस मोटर, ये भी काफी बेहतरीन कंपनी है। अगर इसके रिटर्न की बात करें, लॉन्ग टर्म में 7000% का रिटर्न दिया है, और इसके भी कई सारे प्रोडक्ट है जो मार्केट में काफी अच्छे है, जैसे अपाची बाइक कंपनी के काफी बेहतरीन है। तो ऐसे आपको देखना है, कई सारी कंपनियां हैं जिसके कई सारे जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में काफ़ी डिमांड में रहते हैं, तो वो कंपनियों को प्रॉफिट अच्छा खासा वहां से अर्न होती है। करेंट प्राइस 629 रुपया है। अगर बात करें इसके डिफरेंट पैरामीटर्स का, कंपनी का मार्केट 30,000 करोड़ है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। डेट 11,000 करोड़ है, और कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 57% है। कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। फ्री कैश फ्लो निगेटिव है, जैसा कि पूरा ये सेक्टर सर्वाइव कर रहा है अभी, काफ़ी ज़्यादा मतलब पैंडमिक आने के कारण काफी ज्यादा प्रभावित हुआ ये सेक्टर, तो कैश फ्लो ज्यादातर कंपनियों के निगेटिव देखने मिलेंगे। वहीं रिजर्व की बात करें, काफी अच्छा खासा रिजर्व है, 3,234 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज्यादा है, रिजर्व अच्छा खासा है, लेकिन डेट काफी ज्यादा है कंपनी के पास, और कोई भी निगेटिव साइन नहीं है। एक फ्री कैश फ्लो भी निगेटिव है, तो एक दो पैरामीटर है जिसपे कंपनी मतलब उतना अच्छा नहीं है, लेकिन कंपनियां अपने बिजनेस में काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है। टीवीएस बाइक काफ़ी ज़्यादा मतलब माइलेज के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी कम फ्यूल खर्च होता है। साथ ही साथ इसके कई सारे प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो मार्केट में काफ़ी डिमांड में रहते हैं। उसके बाद अगला जो स्टॉक है टाटा मोटर्स, ये तो काफ़ी बेहतरीन है, सेक्टर के लीडर हैं और ग्लोबल लेवल पर ये कंपनियाँ काम करती है। कई सारे इसके प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट में लीड करते हैं। करेंट प्राइस है 355 रुपीज़, और ये स्टॉक तो काफ़ी ज़्यादा साइकिल में चलने वाले देखते हैं। यहाँ स्टॉक 2006 में 161 रुपये का हाई बनाया था, वहाँ से लगातार गिरावट हुआ। 2009 में मात्र 26 रुपये का स्टॉक मिल रहा था, और वहाँ से 26 रुपीज़ से ये 550 रुपीज़ से ऊपर का हाई बनाया, और फिर वहाँ से स्टॉक में भयंकर गिरावट होती है, और ये देखते हैं 65 तक का लो बनाया, 65 रुपीज़ का लो, और 65 रुपीज़ से फिर से ये 355 रुपीज़ जा चुका है। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा साइकिल में चलने वाले स्टॉक है, जब गिरावट मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म में तो स्टॉक को ऊपर ही जाना है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इस बार जो ये गिरावट था काफ़ी ज़्यादा था। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप जो है 1,24,000 करोड़ है, और जो डेट है 1,24,000 करोड़ है, मतलब जितना मार्केट कैप उतना कंपनी के ऊपर डेट, मतलब डेट तो मार्केट कैप से भी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा डेट बर्डन है इस कंपनी के ऊपर। प्रमोटर्स होल्डिंग 46% है, प्लीज परसेंटेज 0.85% है। फ्री कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है, 3,000 निगेटिव में है। रिजर्व सरप्लस 39,000 करोड़ है। तो देखिए इतना ज़्यादा डेट है कंपनी के पास, कैश फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव, फिर क्यों? क्योंकि ये ब्रांडेड कंपनी है, और इसका जो ब्रांड वैल्यू मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी के प्रोडक्ट जो है कई सारे मार्केट में लीड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। थोड़ा सा अभी साइकिल जो है डाउन था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, जैसे साइकिल अप होगा कंपनी निश्चित रूप से अपने डेट को कम कर सकेगी, साथ ही साथ जो फ्री कैश फ्लो है वो भी पॉजिटिव हो सकता है। तो ये सारे पैरामीटर जब हो जाएंगे तो फिर आपको ये स्टॉक 500-600 से ऊपर ही मिलेगा। तो दिक्कत ये भी है, अभी मात्र ये स्टॉक जब 65 आया था उसी समय से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें बाय कर सकते हैं, क्योंकि इतना सस्ता मतलब स्टॉक मिल रहा है जहाँ पर आपको लॉस करने का कोई चांस नहीं था। तो अब तो मौका छूट चुका है, तो फिर कभी नीचे के प्राइस पर मिलता है 100 रुपीज़ से नीचे तो आप इसको में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तो काफ़ी ये स्टॉक महंगे हो चुके हैं, तो चाहें तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं इन्वेस्ट करने का या नहीं करने का, लेकिन ये स्टॉक जब सस्ते प्राइस पर मिले तो इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। अगला है हीरो मोटर कॉर्प, करेंट प्राइस है 2,985 रुपीज़। ये बहुत सारे लोग हमारे चैनल पर ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आप बहुत महंगे महंगे बताते हैं, तो देखिए जो अच्छे स्टॉक है वो हमेशा आपको महंगे ही मिलेंगे, 10 रुपया में वही स्टॉक मिलेंगे। जो बहुत ही छोटी कंपनी है जिसका बिजनेस काफ़ी छोटा है, या तो जो कंपनियाँ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, तो जो अच्छे स्टॉक है वो हमेशा महंगे ही मिलेंगे। कभी भी HDFC बैंक आपको 100 रुपीज़ में नहीं मिल सकता, 200 रुपीज़ में नहीं मिल सकता, उसमें ज़्यादा हीरो मोटर कॉर्प कभी भी आपको 100 रुपीज़ में नहीं मिल सकता, क्योंकि ये सब मार्केट को लीड करते हैं। किस में? प्रोडक्ट में मार्केट को लीड करते हैं, प्रोडक्ट का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, कंपनी को वहाँ से प्रॉफिट काफ़ी जनरेट होता है, तो वैसे में जो स्टॉक है वो भी डिमांड में रहते हैं, हर बायर यहाँ पर खड़ा है हर प्राइस पर, तो ये स्टॉक आपको महंगे प्राइस पे ही मिलेंगे। अगर मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 1200% का रिटर्न दिया है,
और इस स्टॉक का चार्ट देखिए काफ़ी सॉलिड है। यहाँ पर साइकिल डाउन था इस सेक्टर का, लेकिन इस स्टॉक ने काफ़ी तेज़ी रिकवरी यहाँ पर किया और इसका रिकवरी देखते हैं सबसे पहले हुआ। अगर बात करें इसके डिफरेंट पैरामीटर्स का, मार्केट कैप 60,000 करोड़ है, लार्ज कैप कंपनी है, डेट मात्र 453 करोड़ है, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। जैसे टाटा मोटर्स में बहुत सारा डेट था तो शेयर प्राइस भी काफ़ी सस्ते थे। प्रमोटर्स होल्डिंग 34%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं। फ्री कैश फ्लो 4000 पॉजिटिव में देख सकते हैं फ्री कैश फ्लो। रिजर्व सरप्लस 14,000 करोड़। तो ये सारे पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी सॉलिड है। उसके मारुति सुजुकी, ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। देखिए हीरो मोटर का और मारुति सुजुकी ये लीडर है। हीरो मोटर का 2 व्हीलर में, मारुति सुजुकी 4 व्हीलर में, और ये हमेशा इसके प्रोडक्ट बिकने ही बिकने, कभी थोड़ा सा कम कभी थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन ये स्टॉक आपको थोड़े थोड़े रिटर्न देंगे तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देंगे। करेंट प्राइस 7,177 रुपीज़ है और लॉन्ग टर्म में देखिएगा ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन रिटर्न 4,296%। देखिए ऐसे अच्छे स्टॉक ही हमको इतना 4,000% तक का रिटर्न दे रहे हैं, तो जैसे तैसे स्टॉक में तो कोई बात ही नहीं है इन्वेस्ट करने का। अगर यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें 2,18,000 करोड़ का मार्केट कैप है, टोटल डेट 184 करोड़ का है, मात्र डेट बहुत ही कम डेट है। प्रमोटर्स होल्डिंग 56% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। फ्री कैश फ्लो 58 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, मतलब कैश फ्लो पॉजिटिव ही है। रिजर्व सरप्लस 48,000 करोड़ का, काफ़ी अच्छा रिजर्व सरप्लस है कंपनी के पास। मतलब हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी सॉलिड है। टेक्निकल चार्ट तो काफ़ी बेहतरीन है, देखिए लगातार अप ट्रेंड में है। यहाँ पर जो साइकिल था ऑटोमोबाइल सेक्टर का वो पूरी तरह से निगेटिव था, तो इस स्टॉक में भी मतलब यहाँ रिकवरी 2019 में ही चालू हो गया था, लेकिन 2020 में पैंडेमिक गिरावट के साथ इसमें भी गिरावट हुआ, लेकिन रिकवरी काफ़ी फास्ट। अभी स्टॉक ये सारे स्टॉक काफ़ी मतलब अंडर वैल्यूड है, क्योंकि ये स्टॉक तो काफ़ी महंगे 10,000 रुपीज़ का हुआ करता था, अभी भी 8,000 पे उपलब्ध है। उसके बाद अगला है महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है, और साथ ही साथ ये महिंद्रा ग्रुप का स्टॉक है और सारे ग्रुप का ये लीडर है, और करेंट प्राइस 807 रुपीज़ है। लॉन्ग टर्म में रिटर्न की बात करें 1,197% का रिटर्न है, जो कि काफ़ी सॉलिड है। मतलब ये सारे स्टॉक जो है काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न आपको क्रिएट करके देंगे। मार्केट कैप की बात करें 96,000 करोड़ का मार्केट कैप है, टोटल डेट की बात करें 82,000 करोड़ का डेट है, तो ये कंपनी के ऊपर भी डेट काफ़ी ज़्यादा है। प्रमोटर्स होल्डिंग 19% है, तो प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी कम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूरे ग्रुप का ये लीडर है, महिंद्रा ग्रुप का ये लीडर स्टॉक है, तो कोई खास दिक्कत नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग 0 के बराबर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है इस स्टॉक में, क्योंकि ये पूरे ग्रुप का लीडर स्टॉक है। प्लीज परसेंटेज 0.26% है, तो जो कि निगलिजिबल है। फ्री कैश फ्लो ये काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है, 8,000 करोड़, तो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है फ्री कैश फ्लो। रिजर्व सरप्लस 37,000 करोड़, तो यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी ज़्यादा है, कैश फ्लो भी निगेटिव है। मतलब जो ये सेक्टर है काफ़ी प्रभावित रहा है, तो जिसका असर इस स्टॉक पे काफ़ी ज़्यादा देखने मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर बात करें पैंडमिक के बाद रिकवरी सबसे फास्ट किया है इस स्टॉक ने मारुति, और इस स्टॉक ने देखिए 300 रुपीज़ से 800 रुपीज़ पहुँच चुका है, इतना फास्ट रिकवरी और इतना बेहतरीन स्टॉक। अब बात आती है टॉप टू में दो स्टॉक है, बजाज ऑटो दूसरे नंबर पे, और पहले नंबर की बात में करेंगे। देखिए बजाज ऑटो ये भी काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का सबसे बेहतरीन स्टॉक। करेंट प्राइस 4,146 रुपीज़, और लॉन्ग टर्म में रिटर्न की बात करें तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी सॉलिड रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को, 1,279%। अगर वहीं बात करें मार्केट कैप का 1,20,000 करोड़ का, वह डेट की बात करें 125 करोड़ का, बहुत ही कम डेट है, निगलिजिबल डेट है, कोई डेट है ही नहीं कंपनी के ऊपर। प्रमोटर्स होल्डिंग 53%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। फ्री कैश फ्लो 3,500, फ्री कैश फ्लो काफ़ी पॉजिटिव है। रिजर्व सरप्लस 21,000 करोड़, तो ये कंपनी तो हर पैरामीटर्स पे काफ़ी सॉलिड है, क्योंकि डेट फ्री कंपनी है। 125 करोड़ ये तो कंपनी के लिए डेट कुछ नहीं है, क्योंकि कंपनी जब चाहे तब पे कर सकती है, तो ये कंपनी हर पैरामीटर्स पे काफ़ी सॉलिड है, इसलिए इसे हमने 2 नंबर पे रखा है। उसके बाद जिस कंपनी का प्रोडक्ट 2 व्हीलर में मोनोपोली रखता है, मतलब इसके ब्रांड वैल्यू इतना फेमस है, देखिए ज़्यादातर 2 व्हीलर हीरो मोटर कॉर्प का बिकता है, लेकिन जो सेल्स सबसे ज़्यादा होता है वो हीरो मोटर का, लेकिन जो मोनोपोली रखता है वो है आइसर मोटर का, जो बुलेट बाइक है, क्योंकि ये थोड़े महंगे होते हैं, हीरो
का जो बाइक होता है वो काफ़ी सस्ते होते हैं, तो इसलिए लोग हीरो के ज़्यादा खरीदते हैं। लेकिन इसके जितने भी खरीदते हैं तो काफ़ी अच्छा कंपनी उससे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करता है। करेंट प्राइस है 2744 रुपीज़ और लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक ने इतना सॉलिड रिटर्न दिया है जितना किसी स्टॉक ने आपको ऑटोमोबाइल में नहीं दिया, 41,000% का रिटर्न। तो देखिए ये होता है प्रोडक्ट का जो मोनोपोली होता है वो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके देता है इन्वेस्टर को। अब देखिए यहाँ पर मार्केट कैप की बात है, 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। डेट जो है 249 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, काफ़ी कम डेट है। प्रमोटर्स होल्डिंग 49% है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। फ्री कैश फ्लो देखते हैं, 1148 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैश फ्लो काफ़ी मतलब पॉजिटिव सेंटिमेंट रखता है कंपनी में। रिजर्व सरप्लस 9,794 करोड़ का रिजर्व सरप्लस है, तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी अच्छी है। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है क्योंकि 249 करोड़ कोई डेट नहीं होता है कंपनी के ऊपर, जो कि काफ़ी निग्लिजिबल है। ये 10 स्टॉक थे ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है। किसी भी स्टॉक ने निगेटिव रिटर्न नहीं दिया है अपने इन्वेस्टर को। कभी भी आप गिरावट में बाय कीजिए क्योंकि ये सारे स्टॉक साइकिल में चलते हैं। एक साइकिल आता है जब स्टॉक में गिरावट देखने मिलता है, तो जब भी गिरावट में आता है आप उसको खरीदिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके देगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।